अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं चिकन मंचूरियन, जो एक सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट किया था, मतलब रिक्वेस्ट किया था बनाने के लिए। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कर लेंगे मैरिनेशन, जिसके लिए मैंने लिया है 300 ग्राम बोनलेस चिकन। उसमें मैं ऐड कर लूँगी 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून विनेगर, 1 TSP ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 TSP सॉल्ट, एंड इसे हम मैरिनेट करने के लिए रख देंगे लगभग 20 मिनट के लिए। 20 मिनट मैरिनेट होने के बाद मैं इसमें ऐड कर लूँगी 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर एंड 1 टेबल स्पून मैदा। वन टी एस पी गार्लिक पेस्ट एंड 1 egg white डाल के मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी एंड हम इसे शैलो फ्राई कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, अंटिल हमारी चिकन जो है वो कुक नहीं हो जाती। सेकेंडली हम इसकी ग्रेवी बना लेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 2 टेबल स्पून ऑयल। उसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून फाइनली चॉप्ड गार्लिक, 1 टेबल स्पून फाइनली चॉप्ड जिंजर, 2 फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज, एंड देन मैं इसमें ऐड करूँगी 2 स्ट्रिंग्स ऑफ ग्रीन अनियन, जिसका मैंने वाइट पार्ट लिया है, जो प्याज का पार्ट रहता है ऊपर का वो लिया है। इसमें मैं ऐड कर लूँगी कुछ वेजिटेबल्स, जिसके लिए मैंने लिया है बेल पेपर्स। मैंने यहाँ पे लिया है 1 green capsicum, 1 yellow capsicum एंड 1 red capsicum। इसे हम सॉटे कर लेंगे अच्छी तरीके से। देन हम इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 cup कैबेज, इसे मैंने थिन स्लाइस किया है फाइनली। देन हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 चिकन का क्यूब, 1 TSP ब्लैक पेपर पाउडर, 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस, ये ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए, एंड 5 टेबल स्पून केचप, 1 कप वाटर डाल के हम इसे अच्छी तरीके से पका लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर को 1/4 कप पानी में मिक्स करके रखा था, वो हम इसमें धीरे धीरे करके ऐड कर लेंगे, ताकि जो हमारी ग्रेवी है मंचूरियन की वो थोड़ी सी थिक हो जाए एंड एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी वो रैप कर ले। देन इसमें हम ऐड कर लेंगे जो चिकन हमने स्टार्टिंग में फ्राई करके ली थी उसे, एंड थोड़े से स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन पार्ट होता है उसे, एंड देखते ही देखते तैयार हो जाएगी हमारी चिकन मंचूरियन बहुत ही आसानी से। सो योर इज़ द रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, एंड अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए जो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए बनाऊँ, सो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द इसे बनाने की कोशिश करूँगी। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, तो चलिए अल्लाह हाफिज़।